जयपुर में विधायक आवास बनाने का कार्य अब जेडीए नहीं आवासन मंडल करेगा। सरकार ने यह कार्य आवासन मंडल को देने का फैसला किया है। हालांकि यह फैसला भी सीएम स्तर पर हुआ है, लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की साख दांव पर है। आखिर सरकार ने जेडीए को क्यों नहीं समझा इस प्रोजेक्ट के लायक, हम आपको बताएंगे इस निर्णय की इनसाइड स्टोरी। बनने वाले विधायक आवास निर्माण का कार्य अब जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं आवासन मंडल करेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद जेडीए की साख दांव पर है। आखिर सरकार ने क्यों यह निर्णय लिया? क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है? वर्तमान में विधायक आवास निर्माण को लेकर जेडीए की साख दांव पर लगी है। जेडीए को लेकर हर व्यक्ति की जुबान पर यही चर्चा है कि आखिर क्यों बदली गई विधायक आवास बनाने की कार्यकारी एजेंसी। अंदर से मिली जानकारी यह है कि यह केवल विधायक आवास बनाने की बात नहीं है, यह तो साख बचाने और बनाने की भी लड़ाई है। ऐसा इसलिए कि यह प्रोजेक्ट जेडीए के पास था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट मंडल की झोली में चला गया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या यहाँ कोई काबिल अफसर नहीं है या फिर संसाधनों की है कमी? जानते हैं क्यों जेडीए से वजनदार है आवासन मंडल। इस निर्णय के पीछे यह रहा एक बड़ा कारण। एक साल में आवासन मंडल में आए आधा दर्जन प्रोजेक्ट, मंडल के खाते में है 800 करोड़ से अधिक की राशि, लॉकडाउन में मंडल की आय हुई 50 करोड़। जेडीए के पास नहीं है कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट आया नहीं, पुराने भी चल रहे देरी से। जेडीए के खाते में है 35 से 40 करोड़ की राशि, लॉकडाउन में जेडीए को हुई 22 करोड़ की आय। जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल में जमीन आसमान का अंतर है। जेडीए के पास इंजीनियर से लेकर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पिछले सालों में आवासन मंडल की साख पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद भी सरकार ने विधायक आवास बनाने की जिम्मेदारी मंडल को सौंपी है। कांग्रेस सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल लगातार मंडल को उठाने की बात कहते रहे हैं। जेडीए पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने सवाल उठा दिए थे। ऐसे में आवासन मंडल का कद बढ़ना लाजमी है। पिछली सरकार में जेडीए बेहद सक्रिय था। करीब 1400 करोड़ रुपए का द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट भी जेडीए के पास ही था। हालांकि प्रोजेक्ट अब तक अधूरा ही है। इसके अलावा हवा सड़क, एलिवेटेड रोड से लेकर करीब आधा दर्जन आरओबी के निर्माण जेडीए के पास थे। वहीं आवासन मंडल पर अघोषित रूप से ताला लटका हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने टी रविकांत जैसे काबिल अफसर को जेडीए की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन क्या कारण रहे कि ना तो अभी तक यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे और ना ही कोई नया प्रोजेक्ट बनाया गया? शायद यही बड़े कारण रहे कि राज्य सरकार ने विधायक आवास बनाने का प्रोजेक्ट जेडीए से लेकर आवासन मंडल के हाथों में सौंप दिया। IAS, एक IPS, एक RPS का और करीब 25 RAS के साथ करीब 350 इंजीनियर्स की फौज होने के बाद भी जयपुर विकास प्राधिकरण पिछले एक से डेढ़ वर्ष में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना सका, और शायद यही कारण रहे कि सरकार ने इस निर्णय को लेते हुए विधायकों के लिए आवास निर्माण का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण से लेकर आवासन मंडल को सौंप दिया। लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद अधिकारियों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार भी परफॉर्मेंस के आधार पर ही निर्णय लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।